ताज़ा खबरों के लिए हमारे आरआरसी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। अकोला के जिला अस्पताल परिसर में स्थित ऑक्सीजन प्लांट शुरू किया गया है। जिला अस्पताल में रोजाना तकरीबन 450 से अधिक ऑक्सीजन सिलेंडर लगते हैं। इसके कारण दिक्कतें पेश आ रही थी, परंतु ऑक्सीजन प्लांट शुरू होने के कारण अब राहत मिली है। पिछले 15 दिनों से जिला अस्पताल में कोविड मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में ऑक्सीजन की मांग बढ़ गई थी। बढ़ते मरीजों को देखते हुए ऑक्सीजन की कमी खल रही थी। अब जिला अस्पताल का ऑक्सीजन टैंक शुरू होने पर जिला अस्पताल प्रशासन ने राहत की सांस ली है। मरीजों की संख्या बढ़ने से जिला अस्पताल में रोजाना तकरीबन 450 से अधिक ऑक्सीजन सिलेंडर लग रहे हैं। सितंबर माह में जिले में ऑक्सीजन की कमी महसूस की गई थी। इसी को ध्यान में रखते हुए जिला महिला अस्पताल तथा जिला अस्पताल में 10 KL लिक्विड ऑक्सीजन टैंकर का निर्माण कार्य किया गया था, लेकिन लाइसेंस के अभाव में यह सेवा कई महीनों से बंद थी। इस बीच मरीजों की संख्या घटने से ऑक्सीजन टैंक शुरू करने का काम ठंडे बस्ते में चला गया था, लेकिन मार्च माह में फिर संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ने से ऑक्सीजन टैंक शुरू करने की प्रक्रिया शुरू की गई थी। जिला अस्पताल के ऑक्सीजन टैंक का लाइसेंस मिलते ही यह सेवा शुरू कर दी गई है। इससे पहले जिला महिला अस्पताल में ऑक्सीजन टैंक शुरू किया गया है। दोनों ऑक्सीजन टैंक शुरू होने के कारण ऑक्सीजन की कमी अब नहीं के बराबर रह गई है, जिसके कारण आरोग्य विभाग के साथ ही मरीजों ने राहत की सांस ली है।